तृतीयोऽध्याय श्री भगवानुवाच सर्वेऽपि कालावय वास्तव काल स्वरूपिणः मासानां तु कथम नाम समासः कार्तिको वर शुण सकल मुनि जने सत्याजे श्रीकृष्ण वचने आपणा पूर्व कर्म शुणी आनंदे मने मने गुणी पति चरण तले पड़ी कहइबेनि कर जोड़ी भोनाथ कर अनुग्रह कार्तिक व्रत कथा कह पूर्वे प्रकाश हेला काहूँ तुम्भर एड़े प्रिय जहूँ तेणु शुणबी श्रद्धा मोर भो प्रभु अनुग्रह कर सत्या बचने ऋषिकेश कार्तिक महिमा विशेष कहती पूर्व कला कीर्ति बोलती शुण सत्या सती पूर्वे जे पृथु दंड धारी नारद पादे पूजा करी ए प्रश्न करी थिले तांकु से कही थिले नृपतिंकु ताहा कहुची सुण एबे कार्तिक व्रतर प्रस्तावे कल्प अंतरे हुत जुगे धरणी कर्म भोगा भोगे अनंत कोटि जीवजात पालने देव दैवत संसारे हेले अवतार सिंधु नंदन शंखासुर कर्मे असुर बुद्धि घेनी बळे जिणिला लोक तिनी ब्रह्मादि सुर साध्य करी सर्वसंपद अर्थ करी वेद पुराण शास्त्र मूले जिणी आणिला भुज बळे गुपते रखी सिंधु मध्ये नित्ये ऐरी कूल साधे देव उरग जक्ष नर सबुठी देला दुख घोर वेद विहीने मुनि जने होम न कले हुतासने हवि न पाई सुर लोके बंचंती दुखे अतिरेके संसार न पालंती भले शस्य विहीने जंतु मले ता देखी देव परमेष्ठी वेद विहुने मने कष्टी सकल सुर मुनि तुले वैकुंठ भुवन कु गले विष्णुर जोग निद्रा काले समस्ते श्रीपंकज तले पाद उभारी सिरे कर स्तुति कर वेदवर नमस्ते प्रभु ब्रह्मराशि अशेष गुण ग्रामवासी सकल लोक परे रही भाव विचारे भावग्राही तु अंतर्गत वार्ता जाणु तोते गोचर सर्व तेणु जे जन महाभय पाई तोर चरणे चित्त देई शरण जाती तोर पादे तु तांकु रखु अप्रमादे विनाशु विपद बेदना तेणु तो नाम वज्रसेना तेणु सकल लोक पाले शरण तो पाद कमले प्रसन्न होई दुख देख घोर असुर दंडु रख सागर सुत शंखासुर बळे हरिला बेद मोर रखिला दुर्गम जलधि तेणु सरिला मोर बुद्धि आउ उपाय किछि नाहि तो बिनु आहे भावग्राही आम्भ गुहारी कर्णे शुण असुर मारि वेद आण वेदांग नाम तोर कहि मोते उद्धार नाथ तुहि हेमंत बोली स्तुति भणी जाणिले प्रभु चक्रपाणी निद्रा उपेक्षी नर हरि पद्म आसने विजे करि ब्रह्मांक मुख चाही धीरे बोलती शुण सर्वसुरे जेऊ निमन्ते अछ आसी आम्भे जाणिलु ता विशेषी जे हरि अछि तुम्भ श्री सागर अंशे अवतरी मुहि हरि बि तार प्राण एबे समस्ते तुम्भे शुण आजि ठारु ए देव गण करिबे यज्ञ आचरण कार्तिक मासे प्रातः स्नान आवर तुलसी सेवन
देव दास कार्तिक व्रते हरि तोष धन मर्यादा बंत हेब श्रीहरि रूप को पाइब। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे शंखासुर वेदहरणे नाम तृतीयोऽध्यायः।